यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव यादव की अध्यक्षता में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। हरियाणा बीजेपी सरकार के खिलाफ भारत बचाओ आंदोलन का आगाज। भारत बचाओ प्रदर्शन के तहत पंचकूला से निकले प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ पहुंच। मुख्यमंत्री हरियाणा के आवास स्थान का किया जाना था घेराव। हजारों की संख्या में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में लिया भाग। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग। कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष केशव यादव सहित दी सामूहिक गिरफ्तारियां। प्रदर्शन था, इस देश को खतरे में डाले हैं नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार, खट्टर की जो सरकार है, मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने जो जुमलेबाजी की इस देश में, नौजवानों को हरियाणा में रोजगार नहीं दिया जा रहा है, किसानों को उनकी उचित लाभ नहीं मिल रहा है, महिलाएं और बहनें हमारी असुरक्षित है। हरियाणा के नौजवान पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल, सिल्वर और कांस्य लाते थे, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाते थे। आज वो मारे मारे फिर रहे, खेल की नीति उनकी खिलाफ है, देश खतरे में है, गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, चारों तरफ त्राही त्राही मची। इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस के लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि खट्टर जी इस्तीफा दो और लोकतंत्र में आओ, लोकतंत्र में जनता की फिर आवाज सुनो। पिछले एक साल में चार बार हरियाणा युवा कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम जिलों में जा रहे हैं, हम गांव गलियों में जा रहे हैं, नौजवानों के बीच में हम उनको बता रहे हैं कि आपको 2 करोड़ 15 लाख के नाम पर बरगलाने और बहलाने का काम किया गया और नौजवान वो बदल गए हैं, हमारे तरफ आ रहे हैं और इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं उनके। आज वाटर कैनन इसका यही काम है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हर दृष्टि से गुंडई पर उतार हुआ, कहीं हमसे लाठियों से मारा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है कांटों वाली, कल वो लगाई गई थी तेलंगाना में, ये देश में हो रहा है। हम अहिंसक वाले लोगों के ऊपर पुलिस का ये कारनामा चल रहा है, इसलिए मुहिम बता रहे हैं। जिस तरह से काफिला बढ़ रहा है, नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं और इस देश में बदलाव होगा, उन्हीं नौजवानों के भरोसे होगा।